नमस्कार, वेलकम टू जस्ट डिलीशियस। आज हम लेकर आए हैं ताजे मटर का झटपट से बनने वाला टेस्टी नाश्ता, कुरकुरे क्रिस्पी करारे हरे मटर की ये कटलेट। खाने में बहुत ही ज्यादा जायकेदार और टेस्टी लगते हैं। सिर्फ 20 रुपए के मटर से ढेर सारे कटलेट बनके तैयार होते हैं। विंटर स्पेशल, ये कटलेट बनाने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए, अच्छे हो या बड़े, सभी को पसंद आए ऐसे नए तरह की हरे मटर की कटलेट इस तरह बनाती हूँ, देख लेते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरे मटर की कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक खलबट्टा ले लेंगे, आप चाहे तो मिक्सर जार भी ले सकते हैं। उसमें 2 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक ले लेंगे और थोड़ा सा कूट लेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च ऐड किया है और सारी चीजों को वापस दरदरा कूट कर तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह। इस तरह से जब कूट कर ऐड करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम ले लेंगे 1 कप के करीब ताजे मटर और 1/3 कप के करीब पोहा, जिसे कि चूरा भी बोलते हैं। फिर गैस पर मटर को हमने उबालने के लिए रख दिया है। फिर पोहा को हमने एक छन्नी में ले लिया है और उसे धो लिया है और फिर उसे एक बोल में ट्रांसफर करके रख देंगे ताकि ये चूरा जो है ना थोड़ा सा फूल जाए। जो मटर है ना यहाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ताज़े मटर लीजिएगा तो यहाँ पे खाने में बहुत ही मीठा लगता है और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। मटर को यहाँ मैंने छान लिया है और कोई भी पोटैटो मैशर लेंगे और उसे अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा नहीं, हल्का सा दरदरा रखेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ मटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो जो पोहा था ना हम इसमें ऐड कर देंगे, ये अच्छे से फूल गया है। यहाँ जो हमने मसाले को कूट के रखा था ना वो भी 2 चम्मच ऐड कर देंगे और साथ ही मैंने यहाँ 1 बारीक काट के रखा हुआ प्याज ऐड किया है और 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। साथ ही 2 छोटे चम्मच के करीब नमक मैंने ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल ऐड किए हैं। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, चाहे तो चावल के आटे के बदले में बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा ना, इससे जो कटलेट है ना बहुत ही अच्छे फूले फूले से बनेंगे और अंदर तक अच्छे से पकेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे कि जो पोहा है ना अच्छे से मिक्स हो जाए मटर में। हल्का आटा या बेसन ज्यादा नहीं ऐड करें, बाइंडिंग के लिए जितना जरूरत हो उतना ही ऐड करें, नहीं तो इसमें चावल के आटे का या बेसन का टेस्ट आने लगेगा और अंदर तक अच्छे से सेकेगी भी नहीं। उसके बाद हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और यहाँ पर कटलेट का शेप देंगे और आप यहाँ पर राउंड चाहे तो लंबा जैसा मर्जी हो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारे यहाँ मार्केट में जिस शेप का कटलेट मिलता है उस शेप का मैं कटलेट बना रही हूँ। थोड़ा सा लंबाई में रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ। तो जो कटलेट है ना आपको बहुत ज्यादा मोटे नहीं बनाना है, मीडियम ही आप इसका शेप रखिए और मीडियम ही थिकनेस रखिएगा तो कटलेट बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो लीजिए, हमारे सारे कटलेट बन के तैयार है, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम मार्केट जैसा कटलेट बन के तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस में। तेल को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम गर्म करेंगे। तेल हमारे मीडियम गर्म हो चुके हैं। अब 1-4 जितने भी कटलेट आपको फ्राई करने हैं आप इसमें ऐड करें और उसे अलटते पलटते अच्छे से दोनों साइड क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। ये कटलेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं, मैं इसका टेस्ट आपको बता नहीं सकती, ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अभी मटर का सीज़न है, मटर काफ़ी सस्ते तो मिलता ही है और मटर के हम हमेशा पराठा पूरी तो खाते ही है। इस तरह का क्रिस्पी क्रंची कटलेट बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगेंगे। और मैंने देखिए तोड़ कर भी दिखाए हैं, अंदर से भी कितने अच्छे से सीके हैं। मैंने यहाँ टोमेटो केचप के साथ सर्व किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।